शिवाचार्य की बैटिंग एल्बम से अब एक एक करके वो फोटोज सामने आ चुके हैं जो फैंस के दिलों की धड़कनें तो बढ़ाएंगे, साथ ही हेमा मालिनी का हाल बेहाल कर सकते हैं। अब भले ही हेमा मालिनी कितना भी कहें कि धर्मेंद्र के परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन फोटोज को देखकर वो मतलब रखना जरूर शुरू कर देंगी। तो सिर्फ सनी पाजी ने प्रकाश कौर के साथ फोटो शेयर की है, जिसमें सनी पाजी अपनी मां प्रकाश कौर को सीने से लगाए खड़े हैं। प्रकाश कौर अपने लाडले बेटे को सीने से ऐसे चिपकाए खड़ी है जैसे बहुत दिन बाद मिल रही है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर फैंस इन पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। वही प्रकाश लाल जोड़े में बहुत प्यारी लग रही है। अब बहुत जल्द प्रकाश धर्मेंद्र के और भी नई फोटोज आने वाले हैं जो शायद हेमा देखे बिना रह नहीं पाएंगी, और देखेंगी तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। करण की शादी से हेमा मालिनी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र इस वक्त हेमा मालिनी के संग कम वक्त दे रहे हैं और ज्यादातर वो अपने पुराने घर में अपनी पहली पत्नी प्रकाश को और उनके बच्चों के संग वक्त दे रहे हैं, और ये सब हेमा मालिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हेमा मालिनी 45 साल से धर्मेंद्र के संग है, लेकिन ना जाने क्यों एक झटके में क्या हो गया कि धर्मेंद्र हेमा से कटे कटे रहने लगे, और वो इस वक्त अपनी नई बहू दृश्याचार्य के संग सारे रीति रिवाजों में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खूब नाच गाना हो रहा है, लेकिन हेमा मालिनी अकेले अपने घर में घुट घुट के रह रही हैं। वो गुस्से में धर्मेंद्र जी से बातें भी नहीं कर रही हैं और ना ही कुछ पूछ रही हैं कि वो इतनी रात से कहां पर रहते हैं, कहां से आते हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करते रहते हैं, कुछ भी नहीं पूछ रही हैं। हेमा मालिनी परेशान जरूर हैं, लेकिन वो कुछ भी पूछ नहीं पा रही हैं। आखिर एक झटके में प्रकाश ने ऐसा क्या कर दिया? धर्मेंद्र ने अपने देओल परिवार के संग पोते की शादी धूमधाम से सेलिब्रेट की, हर फंक्शन में चहल पहल दिखी। धर्मेंद्र जी खुद पोते की शादी में नाचते दिखाई दिए, जबकि 88 साल के धर्मेंद्र जी के हाथ पैर जवाब देने लगे। बुढ़ापे में उन्हें चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बुढ़ापे को कुछ देर के लिए एक साइड में रखकर धर्मेंद्र जी ने खूब मस्ती की, जिसकी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके। और सिर्फ ये मस्ती पोते या बेटों के संग ही नहीं थी, पति प्रकाश कौर के संग भी बिताए गए कुछ खास पल थे। मजाक में धर्मेंद्र जी ने प्रकाश कौर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जाम पिलाने लगे। प्रकाश कौर उन्हें मना कर रही हैं, लेकिन वायरल फोटोज में आप देख सकते हैं धर्मेंद्र का एक हाथ प्रकाश कौर के हाथ में है और अपने जाम का ग्लास। अब ये सब देखकर हेमा मालिनी खुद को दर्द दे रही हैं। उन्होंने धर्मेंद्र से बात करना बंद कर दिए और खुद को कमरे में बंद कर दिया। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं धर्मेंद्र जी उन्हें छोड़कर प्रकाश के पास फिर शादी के 45 सालों बाद हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते में दरार आती दिखाई है। जब से पोते की शादी हुई तब से देओल परिवार हेमा मालिनी की ही चर्चाएं हो रही हैं, जिन प्रकाश को कोई जानता भी नहीं था। अचानक से पोते की शादी के बाद से लोग धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की कुछ बातों में दिलचस्पी लेने लगे, और ये सब बातें हेमा के दिल में घर करने लगी है। हेमा को हर रोज प्रकाश और धर्मेंद्र की बातें सुनाई देने लगी है। अब धर्मेंद्र इस बीच पूरे फंस चुके हैं। एक बार फिर धर्मेंद्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा जा रहा है कि जब आपकी पहली पत्नी इतना प्यार करती थी तो उन्हें क्यों छोड़ दिया? वो धर्मेंद्र की आज भी बहुत इज्जत करती है, उनकी यादों में जिंदगी गुजार रही है, लेकिन शादी नहीं की। ऐसे में धर्मेंद्र जी से कहा जा रहा है कि आपने ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दिया? सवाल ये भी है कि आप दोनों पत्नियों में से किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? धर्मेंद्र के पास तो इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि दोनों को ही वो बराबर समझते हैं। हेमा मालिनी के बीच जब प्यार पनप रहा था तब धर्मेंद्र शादीशुदा थे। सिर्फ पति नहीं, धर्मेंद्र उस समय बच्चों के पिता भी थे। प्रकाश कौर को काफी कुछ सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया। हेमा मालिनी की सौतन बनकर जिंदगी गुजार दी। प्रकाश कौर की जगह अगर कोई दूसरी महिला होती तो शायद वो धर्मेंद्र को तलाक भी देती और दूसरी शादी कर ली होती, पर प्रकाश कौर ने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए बताते हैं। ज्यादातर लोगों को लग सकता है कि प्रकाश कौर ने अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश देने के खातिर धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया, पर यह भी सच है कि वो धर्मेंद्र से बहुत प्यार करती थी, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद हालातों ने उन्हें दूर कर दिया। वो आज भी धर्मेंद्र को बहुत प्यार करती है। हाँ, वो धर्मेंद्र के साथ रहती जरूर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र को दिल से पूछती है। प्रकाश कौर ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने बच्चों की परवरिश को लेकर कुछ बातें की थी। प्रकाश कौर ने बच्चे के लिए अपना प्यार जताते हुए कहा था, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन
मैं अपने बच्चों की नजरों में दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत हूँ, उसी तरह मेरे लिए मेरे बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे हैं। अगर मैं भी अपने बच्चों का साथ छोड़ देती तो पता नहीं मेरा बच्चा कौन सा कहाँ होता। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा किसी को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। प्रकाश कौर के धर्मेंद्र से चार बच्चे हैं जिनका नाम सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता, विजेता। सनी और बॉबी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से 1954 में शादी की, तब उनकी उम्र करीब 19 साल की थी। फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार पनप रहा था। फिर करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 1980 में शादी कर ली। हेमा मालिनी प्रकाश कौर की सौतन तो बन गई, पर कभी एक घर में नहीं रही। 88 साल के धर्मेंद्र ने शादी के बाद हेमा मालिनी को एक अलग घर खरीद कर दिया, जहां वो अपनी बेटियों के साथ ईशा और आहाना के साथ रहती हैं, जबकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर अपने पैतृक घर में अपने चारों बच्चों के साथ रहती हैं। हेमा मालिनी प्रकाश कौर ने एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखी जो कि आज भी बरकरार हैं। पहली बार कैमरे के सामने देओल परिवार की वो तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई थी। जी हां, करण देओल की शादी की फोटोज तो आपने देख ही ली होंगी। करण देओल ने अपनी नई दुल्हनिया दिशा आचार्या के संग मंडप पे बेहद रोमांटिक पोज दिए। करण देओल अपनी दुल्हनिया के साथ इस कदर रोमांटिक होते दिखाई दिए कि उनकी दुल्हनिया भी शर्मा गई थी। उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर अपना चेहरा ही छुपा लिया था, और ये सब तब हुआ जब फेरे होते ही करण ने अपनी दुल्हनिया का हाथ कैमरे के सामने पकड़ा और हक से कहा कि ये हाथ अब हमारा परमानेंट हुआ, दिशा आचार्य अब हमारी हो गई। वहीं दिशा ने भी मंडप तक आते आते एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए थे। करण को जयमाला पहनाने से पहले वो पार्लर में जूस पीती दिखाई दी, खूब इंजॉय करती दिखाई दी। बेहद एक्साइटमेंट के साथ वो अपना मेकअप करवाती दिखाई दी थी। पार्लर में ऊट पटांग हरकतों से उन्होंने जबरदस्त कई रील भी बनाए। उसके बाद करण को मंडप में देखकर दिशा जिस तरह से दौड़ी आ रही थी, उस पर एक गाना तो बनता था और वो गाना था तुम हो तो फिर मुझे और क्या चाहिए। जी हाँ, दिशा ने जैसे ही करण को दूल्हे के लिबास में देखा वो इतनी शॉक रह गई कि सोच में पड़ गई कि क्या ये मेरा ही दूल्हा है। वाकई करण देओल बहुत हैंडसम लग रहे थे। इनके अलावा लाइमलाइट तो सनी देओल की मिसेज यानी पूजा देओल ने भी खींच ली, और ये वही तस्वीरें हैं जो पहली बार कैमरे के सामने आई हैं। जी हाँ, आज तक लोग सनी देओल की पत्नी को देखने के लिए तरस गए होंगे। इतना ही नहीं, बेटे की शादी में सनी की पत्नी पूजा देओल बहुत दूर दूर दिखाई दी। यूं कहें तो कैमरा देखकर वो पीछे हट जाती थी। कहा जाता है कि पूजा देओल को लाइमलाइट में रहने का बिल्कुल शौक नहीं है, वो हमेशा से कैमरे से दूर रही हैं। लेकिन करण देओल की बारात जब उनके द्वारे से निकली तो उन्होंने अपने पति सनी देओल के संग दरवाजे पर भांगड़े पर जबरदस्त डांस किया, और उनका डांस देखकर सब देखते रह गए।